अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ETN तेलंगाना न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। शाहीन नगर के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज का बेहतरीन कारनामा। एक खातून के पर्स जिसमें सोना और कैश था, पता ढूंढते हुए उन्हें उनके हवाले कर दिया। चंद्रायन गुट्टा SHO KN प्रसाद ने ऑटो ड्राइवर को शाबाशी देते हुए रिवॉर्ड से नवाजा। पेश है ETN तेलंगाना न्यूज़ से यह खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। शाहीन नगर वादे सालही बस्ती पेस्टू से रहने वाला हूँ। आज मैं कारोबारी सिलसिले में 12-1 बजे तक कारोबार करते करते हुए जो है बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर के नसीब मैडम ने मेरे को आवाज़ दिया बाबू ऑटो, तो मैं उनको रुकाया। बाबा नगर जाने का था, थोड़ा करमानगढ़ पर जो है वेटिंग थी, शॉपिंग करने का था, उनको मैं बात कर लेके जो लेके बाबा नगर छोड़ दिया। छोड़ के मेरे कारोबारी सिलसिले में वहाँ से मैं ढल लेते घर मलक पेट तो लगाए आके जो थोड़ा छोड़ा बाबा नगर के लोकेशन में उमर होटल की गली के थोड़ा आगे के बाद में वो लोकेशन में उनको छोड़ा। बच्चे उन्होंने उतर के गली में जा रहे थे, वहाँ तलक देखा मैं उनको, देख के फिर रिटर्न गाड़ी पर ढाले के जो वहाँ से मलक पेट तो लगाया ना आके जो है वहाँ धूप की शिद्दत बहुत हो रही थी, थोड़ा पानी पी के जो गाड़ी थोड़ा साफ करेंगे ना, उनके पीछे से कपड़ा निकालने गए तो बैग दिखा। बैग दिखने की सूरत में बोला ये किसका बैग है, तो ये बोलते मैं बैग मेरे दिमाग में सुन रहा कि मैं ये सवारी छोड़ा या पैसेंजर छोड़ा, ये प्लान में सवारी जो है मैं बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर से बिठाया था करमानगढ़ से, फिर मैडम को लिखा के छोड़ा बाबा नगर। तो दिमाग से फिर सोचे तो फिर वही बैग जो है मैडम का होगा शायद, बोल के कि अगर आप मतलब पेट से रिटर्न लेके गाड़ी थी बाबा नगर का है, आगे जो लोकेशन में उतरे हुए वो लोकेशन पूरा चेक करा, देखा घर पर जाके भी आवाज़ दिया, देखा कोई नहीं मिलने की सूरत में फिर आके जो है वही गली के में आके ठहरा। बहुत देर ठहर के वेटिंग करा, देखा कोई रिलेटिव कोई जान पहचान के लोग कोई मिलते होंगे करते हैं, कोई नहीं मिले। तो फिर जो है मैं धूप की शिद्दत में फिर पानी पी के जो है गाड़ी में बैठ के बैग निकाल के देखा, कुछ आईडी मिलता हुआ ना, फ़ोन नंबर हुआ कुछ भी, देखे थे क्या बैग में जो है पार्सल था जो ऑनलाइन बुक करके वो पार्सल पर जो है आईडी एड्रेस था उसके, जैसे कि स्काईलाइन थिएटर बशीरबाग ऐसा लिखे हुआ था, फ़ोन नंबर था, कोड वगैरह था कुछ लिखा था, फ़ोन नंबर लेके मैं फ़ोन कर सलाम जो मैडम सलाम वाले मैं रियाज ऑटो वाला बात कर रहा हूँ प्लान के लिए से, आप स्काईलाइन थिएटर बैठे थे नाम बाबा नगर का ऑटो वाला था जी, आप कहाँ हैं आप? बोलते मैं बोला आपके घर के सामने मैं आप हुए थे, आपके रिलेशन में आए थे, आपके माँ का नए थे गुरु में कुछ मालूम, आप जो फलाने एरिए से बैठे थे बशीरबाग से अपने अडॉप पर था मैं वहाँ पर ही हूँ, मैं केस बुक करी थी भैया, ठीक है मुश्किल नहीं आप दीजिएगा, तो मैं ठीक है रुका उनके बच्चों को भेजें उनके वाला के लिए घर पर कंप्लेंट करने जी मैं रिटर्न हुआ अभी तक जो है कंप्लेंट करने के लिए वो चंद्रानगुटा PS गया, मैं आके देखा, देखने से जिन्होंने मेरे को नहीं मिले और उनके वहाँ से वेटिंग में ठहरा, कोई रिलेटिव में तो उनके बच्चे दिखते कोई नहीं दिखने की सूरत में ठहरा कि बैग चेक करे तो वो पार्सल दिखा, उसमें फ़ोन नंबर निकलने से फ़ोन नंबर लेके मैं फ़ोन करा, अरे तो ऑलरेडी देने के लिए उसमें घर पे आया उसका, मैं फ़ोन करा उनको, फ़ोन करे तो उन्होंने बोले कि मैं PS में हूँ कंप्लेंट देने आई थी, लिहाजा भैया आप वहीं रुकीजिए मैं बच्चों को भेज दूँगा, आपकी 4th फ्लोर पर मेरे माँ रहते हैं वहाँ जाइए। तो मेरे को भी मुतमिन नहीं था ना, 4th पे गए 3rd पे गए तो उन्होंने बोलने से उनके बच्चों को भेजे, भेज के उनके माँ को जैसे ले जाके दे दिया, दे दे के उन्होंने फाउंड कर लिए जो है अच्छा बुरा सब देख लेके, फिर मैं मैडम को फ़ोन करा, पौधिया मैडम को फोन करा, बोले क्या आप टेंशन मत लीजिए तानिश के बच्चे लोगों को देखिए आप मन का आपका नंबर दे दीजिए आप उनसे मिल लीजिए बात कर लीजिए, मैंने ठीक है मैडम इसके लिए नीचे तरफ से ऑलरेडी मौजूद थे मौजूद से बात की सलाम दुआ बेस काम कर रहे यहाँ बल्कि मेरी देश में बहुत तारीफ करे थे सर्कल साहब आए, सर्कल साहब आए थे मोदी से देख के बहुत बहुत खुश हो गए, वर्मा साहब चंद्रयान गुप्ता PS के सर्कल साहब वर्मा साहब मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, सब शायद उनसे शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे जैसे कि हम लोकल ऑटो वाले लोकल हैदराबाद ऑटो ड्राइवर ऐसे लोग हमारे बीच में रहते और हम बहुत क्राइम होंगे हर वो चीज़ से बहुत बेहतर रहेंगे सर, क्योंकि आज आके जो हमारा हौसला बढ़ाया है ना आके जो जैसे कि ऑटो ड्राइवर अब जैसे कि पैसेंजर ही थे कोई वाईफाई बड़े लोग रहते हैं ये ऑटो वो आज ऐसा बोले चीज ये डायरेक्ट सर जो है तो कार रुका के रोड क्रॉस करके आ गया हाथ मिला के गले लपट के जैसे विशेष करे हम ये बोले कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं बोला कि सर ये हम लपड़ों में पहली बार तो जाते नहीं, पुलिस वाले हमारी गाड़ी रुका रहे बोलते हम 12 गलियों में से चले जाते, हम पाला ही नहीं पड़ा सर आपको थोड़ा टेंशन लगेगा, तो साहब बोले कि आपकी टेंशन क्या गाजी आप इतना अच्छा बेस्ट काम कर रहे हैं आपके लिए मैं वहाँ से यहाँ को आया हूँ आपसे मिलने के लिए, ये फिर गले लपटा के जो बहुत बहुत विशेष दिए और हाथ मिलाए गले मिले बहुत बहुत विशेष दिए, फिर जैसे वो पार्सल जो मिला था मंगा के जो उनके बच्चों का हैंडल दे दिए, फिर वो सर मेरे को जैसे मेरे को रिवार्ड दी बुला के जैसे फोटोज़ लिए वीडियोज़ लेके जैसे रिवार्ड दिए 500 रुपये, बहुत खुशी महसूस की हमारे को भी कोई इतना एक्सपेक्ट करता हमारे ऑटो ड्राइवर से इतना इज्जत देता,
तब आप क्या दूसरे ऑटो वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो आप ये काम करे तो दूसरे ऑटो वाले आपसे क्या क्या सीखेंगे? देखो भाई, ये अपनी हक हलाल की कमाई, अपन सुबह निकलते कारोबार से, गैस की निकलना, गाड़ी का किराया निकलना, अच्छा बुरा घर का खर्चा पानी अच्छा बुरा निकलना, अपन जो नियत करते बरस अल्लाह ताला अपने को नवाजता, अपन घर चलता, अपने किसी भी बुरी हालत में अपना घर चलता। लेकिन देखो भाई, किसी की अमानत अपने